नागपुर शहर के गैंगस्टर अशोक यादव उर्फ बाबा जी पर एक महिला द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद से ही अशोक फरार बताया जा रहा है। इस मामले में आगे की जांच तहसील पुलिस विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मंगलवार को शांतिनगर निवासी गैंगस्टर जो कि फिलहाल तड़ी पार बताया जा रहा था, इसके बावजूद महिला को धमकाने का मामला उस पर दर्ज किया गया है। महिला की माने तो 2004 से ही अशोक यादव और बाबाजी के युवती के साथ प्रेम संबंध थे। इसी प्रेम संबंध के आड़ में अब तक उसके 5 बार एबॉर्शन भी हो चुके हैं। बताया जाता है कि युवती के साथ समय समय पर प्रेम संबंध स्थापित करने की आड़ में वह उसके साथ शारीरिक और मानसिक यातना भी उसे प्रदान करता था। ऐसी बात महिला द्वारा बताई गई। ये 2004 की बात है जब मैं बाबा जी से मिली थी। उसने फ्रेंडशिप से फिर प्रेम संबंध बनाया और झूठ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर वैसे हम मिलने लगे, उसमें हमारा सेक्स रिलेशन हुआ है। उसके बाद उन लोगों फोटो और वीडियोज बनाए हैं। उसके बाद कंटिन्यू वो मेरे को ऐसे ही करते रहे, कभी यहाँ कहीं भी वहाँ ले जाकर मेरे से रिलेशन बनाते रहे। लेकिन जब मैंने शादी की बात करी और कुछ दिनों के बाद मुझे पता भी चल गया कि ये शादीशुदा है और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर मैंने छोड़ दी और 2005 में मेरे घर वालों के हिसाब से शादी की। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कॉल करके मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं सबको बता दूँगा, और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने कॉल करके बोला है कि इनसे मेरा रिलेशन है और ऐसा ऐसा, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। और 2007 में मैं अपने घर पे आई। मैं घर पे आने के बाद उसने मुझे फिर से ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और यही आश्वासन देता रहा कि मैं डिवोर्स देकर फिर से शादी करूँगा। इस बीच मेरे 5 अबॉर्शन हो चुके हैं और 6वीं बार भी उसने हमेशा ये एहसास दिलाया मुझे कि मैं पत्नी जैसा रख रहा हूँ और मेरी पत्नी है। आज नहीं तो कल मैं ये सब चीज़ें करूँगा, मैं अपने घर पर बताऊँगा एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो डिवोर्स दूँगा। तो ये हमेशा चालू रहा और बीच बीच में उसका ब्लैकमेल करना, धमकी देना, ये चालू ही रहता था। अगर मैं अभी सोचती थी कि मैं एक्शन लूँ, इन गंदगी से लिख लूँ, इसने जो मेरे साथ अब तक किया है, मुझे इससे ये होना था। पर पुलिस वाले से मेरे को बहुत ये था कि ये कहीं ना कहीं पुलिस से सेटिंग कर लेगा और मेरी बात दबा देगा, क्योंकि अब तक यही हुआ कि इसने मर्डर करा है तो उसको कोई सज़ा नहीं मिली है। थोड़े ही दिन सजा काट के वो बाहर आ रहा है, तो मेरी केस उसने नॉर्मल बता दिया था कि तू जो भी केस लगाएंगे उससे तो मेरे को पैसे दे के मैं कभी भी छूट सकता है। लेकिन राजमाने सर का ऐसा रिकॉर्ड है कि वो गरीबों के बहुत सुनते हैं, और जो सच्चाई वो ही मैं बोल रही हूँ और वही मैंने सर को अपनी सारी हकीकत बताई। उनको बताई कि अब तक मेरे से जो छल हुआ है, और मेरे को एक 4 साल की बेटी है जो उसने 6वीं बार भी एबॉर्शन के लिए मुझे बोला था, पर मेरे को नहीं करना था क्योंकि मेरे को लोगों को प्रूफ देना था कि ये मेरे साथ ऐसा करता है। उसको उसका तड़ी पार करना था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया है हर चीज़ के लिए। मेरे घर को जो पैसे थे वो उसने लेके गया, और वो पुलिस से नहीं रहता ये तड़ी पार, अगर वो नागपुर में काट रहा है तो वो पुलिस से डरता नहीं, ये प्रूफ है। जो मेरे घर पे हमले आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही है, उनके बेटे आ रहे हैं, उनके दोस्त लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मेरे पति और हम लोगों के खिलाफ अगर रिपोर्ट देंगी तो हम तेरे को जान से मारेंगे, और मेरे को उनको लाइफ टाइम तक जान से मारने का डर है ही। मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी बेटी को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे घर के परिवार में कोई नहीं है, एक भाई है और माँ बाप है। तहसील पुलिस की माने तो आरोपी पर इससे पहले 2 मर्डर, 307, 332 जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसके बावजूद अगर वो इस तरह खुलेआम घूमकर किसी को धमकियां दे रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यातील पीड़ित महिला फिरियादी यांनी पुलिस स्टेशन तहसील येथे येऊन फिरियाद दिलेली आहे की त्यांच्याबरोबर 2004 ते आज पावेत वेळोवेळी आरोपी अशोक उर्फ बाबाजी चंपालाल यादव याने वेळोवेळी तिला तुझ्याशी लग्न करेन, तू माझी बायको आहेस असं भासवून 2004 पासून ते आजपर्यंत तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केलेले आहेत, आणि तिच्याकडे असलेली 6 लाख रुपये रक्कम तसंच 10 तोळे सोने हेही तिच्याकडनं तिला विश्वासात घेऊन जाऊन त्याने अपहार केलेला आहे त्या रकमेचा। त्याच्यानंतर हा अशोक बाबाजी यादव हा जो आहे हा रेकॉर्डेड क्रिमिनल आहे, इन्स्टिट्यूटर आहे, याच्यावर 2 मर्डर, 307, 332 अशा प्रकारचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, आणि त्याच्याबरोबर असणारे त्याचे साथीदार हे गँग चालवतात, त्यामुळे ह्या महिलेने घाबरून जाऊन यापूर्वी तक्रारी केलेल्या नव्हत्या, परंतु काल गेल्या 4 दिवसात हा तडीपार आरोपी असताना हा येऊन तिला धमकावून जाऊन तिच्याकडचे 40,000 रुपये त्याने हिसकावून नेलेले आहे, जबरीने चोरून नेलेले आहेत तिच्या घरातून।
त्यामुळे ही महिलेने काल रोजी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली होती। गौरतलब रहे कि आए दिन लड़कियों पर हो रहे अत्याचार की खबरें सुनने में मिलती हैं। इससे तो साफ है कि आज न तो कोई लड़की अपने घर में सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को और न ही बाहर। जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।